अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बटर गार्लिक सैल्मन की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 पीस जो है सैल्मन फिश के ले लिए हैं और ये जो है स्किनलेस है मेरे पास। और इसके साथ इसमें मैं शामिल करूँगी बटर, जो मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लूँगी। थोड़े से मेरे पास फ्रेश पार्सले हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ है। 5 ही लहसुन के जवे लेके उसको इस तरह मैंने उसका पेस्ट बना लिया हुआ है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी नमक और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि ऑप्शनल है। उसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए जो है उसको मैं यूज़ करूंगी। और इसको आए अब आगे बनाना शुरू करते हैं। अब एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप अपना मनपसंद कोई भी कुकिंग ऑयल जो है यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम अपने प्लेट्स को जो है अच्छी तरह दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये मैं दोनों साइड से इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 4 मिनट जो है एक साइड से इसको जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब 4 मिनट ही हम इसको सेकंड दूसरी साइड से भी इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। तो ये जब बहुत साइड से रोस्ट हो जाएगी फिर हम अगला स्टेप जो है वो करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी फिश जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं और अपना बटर सॉस जो है उसको रेडी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने एक पैन रख लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे बटर। बटर जो है मैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितना ले रही हूँ। इसको हम मेल्ट कर लेते हैं और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी लेमन जूस, जो वो भी मैं तकरीबन लूँगी 3 से 4 टेबल स्पून जितना। और इसको थोड़ा सा अब हम पका लेते हैं। पहले मैंने इसमें शामिल कर दी है गार्लिक और इसको भी हम इसमें पका लेंगे उस वक्त तक कि गार्लिक की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसमें डाल लीजिए नमक। और इसमें शामिल करूंगी मैं ब्लैक पेपर। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी कुटी हुई मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके अच्छे से पका लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए अच्छा सा पक गया है और जो लहसुन की एक अच्छी सी खुशबू थी वो भी ख़त्म होके बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस अब हम इसमें शामिल कर लेंगे ये जो हमारे पास कटा हुआ फ्रेश पार्सले है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है मैंने, तो चले आए इसको अब जो है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब ये जो हमने सॉस बनाया है ये इस तरीके से हम अपनी फिश के ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार बटर गार्लिक सैल्मन जो है ये बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार बटर गार्लिक सैल्मन जो है बनके तैयार है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मैश पोटैटोज और स्टीम वेजिटेबल्स के साथ। आप इसको अपने मनपसंद तरीके से जो है सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।